फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और ओवुलेशन इंडक्शन क्या होता है? ओवुलेशन इंडक्शन मतलब वो दवाइयां जो दी जाती हैं एक महिला को ताकि उनमें अंडा अच्छा बन सके। आमतौर पे एक महिला एक साइकिल में एक एग बनाती है, पर ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयों से वो महिला जिनमें अंडा या तो नहीं बन रहा है उनमें अंडा बन पाता है, या जिनमें एक अंडा बन रहा है तो उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है, और जिनमें एक अंडा बनता है उसमें कभी कभार दो या तीन अंडे भी बन पाते हैं इन ओवुलेशन इंडक्शन दवाइयों से। ये टैबलेट्स जो है पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से 5 दिन तक दी जाती है, साथ साथ में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग की जाती है। यदि अंडे की ग्रोथ अच्छी नहीं लगती है तो इसके साथ इंजेक्शन भी कंबाइन किए जा सकते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बहुत कॉमनली सुनते हैं हम, ये क्या टर्म होता है इनफर्टिलिटी में? फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सीरियल अल्ट्रासाउंड होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड पीरियड के दूसरे दिन किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बेसलाइन एग का रिजर्व कैसा है, बेसलाइन ओवरीज की शक्ल कैसी है, ओवरीज यानी दो अंडाशय उसमें कितने हमें फॉलिकल्स दिख रहे हैं। छोटे छोटे ब्लैक जो दिखाई देते हैं वो फॉलिकल्स होते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स। इन्हीं में से टैबलेट और इंजेक्शन के सपोर्ट से एक या दो एग बढ़ के तैयार होते हैं। सीरियल हम मॉनिटरिंग करते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड दूसरे दिन हुआ, उसके बाद 8वें, 9वें या 10वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि कितने एग्स आखिर, कितने फॉलिकल्स आखिर बढ़ रहे हैं। फॉलिकल का साइज करीबन 2 mm पर डे के हिसाब से बढ़ता है। जब वह साइज 18 से 20 mm के करीब पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि ये फॉलिकल हेल्दी है और इसमें एग होने की संभावना सबसे अत्यधिक है। जब ये डिजायर्ड साइज अचीव हो जाता है, ट्रिगर यानी फाइनल इंजेक्शन जो होता है वो दिया जाता है, और उसी के आसपास कपल को आपस में इंटरकोर्स करना एडवाइस किया जाता है। अगर IUI प्लान्ड होता है तो ट्रिगर इंजेक्शन के हिसाब से 36 या 40 घंटे के बीच में IUI प्लान किया जाता है, और IUI वाले दिन या फिर जब ट्राइम्ड इंटरकोर्स बताया जाता है तो उसको एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड से ही ये कंफर्म किया जाता है कि ये फॉलिकल रप्चर हो गया या नहीं हो गया। फॉलिकल रप्चर होने का मतलब होता है जो भी उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ था, ये 18 से 20 mm के फॉलिकल में जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ था उसमें से जो एग है वो रिलीज हो गया। वो एग रिलीज होके ट्यूब के माध्यम से, ट्यूब में जाके स्पर्म का वहीं इंतजार करता है, और हमें जो ये फॉलिकल बना हुआ है रप्चर्ड यानी छोटा दिखता है उस, और आसपास सारा फ्लूइड यानी पानी दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड पे। ये बताता है कि एग रिलीज हो गया है और इसके आसपास इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने की संभावना अत्यधिक है, इसके आसपास इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी की संभावना है।